अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम आपको गवर्नमेंट एमयू कॉलेज लाहौर की जानिब से ऐलान करदा इंटरमीडिएट की फर्स्ट मेरिट लिस्ट के मुतालिक बताएंगे। गवर्नमेंट एमयू कॉलेज लाहौर ने फर्स्ट ईयर की मेरिट लिस्ट का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक स्टूडेंट्स मुख्तलिफ शोबों में एडमिशन ले सकते हैं। एमयू कॉलेज 1933 में कायम हुआ और ये कॉलेज दो डिवीजन जैसे कि साइंस और आर्ट्स में मुनज़्ज़िम किया गया है। इन डिवीजन में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जैसे कि कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और मैथ्स कम्युनिकेशन शामिल हैं। इंटरमीडिएट की फर्स्ट मेरिट लिस्ट के मुताबिक प्री मेडिकल का ओपन मेरिट 835 जबकि प्री इंजीनियरिंग का 810 है। इसी तरह ICS फिजिक्स के लिए ओपन मेरिट 840 जबकि ICS स्टैटिस्टिक्स के लिए 835 है। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि आईकॉम एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ओपन मेरिट 660 जबकि आर्ट्स के लिए 620 है। दी गई मेरिट लिस्ट के मुताबिक मेरिट के बराबर या उससे ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले तलबा मुतलका दाखिला कमेटी से फी चलान हासिल करके वाजबात 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक जमा करवा सकते हैं। गवर्नमेंट एमयू कॉलेज लाहौर की जानिब से ऐलान करदा 2019 की फर्स्ट मेरिट लिस्ट के मुताबिक प्री मेडिकल का मेरिट 825 जबकि प्री इंजीनियरिंग का 835 था। इसी तरह ICS फिजिक्स का 826 जबकि ICS स्टैटिस्टिक्स का 756 था। आईकॉम के स्टूडेंट्स के लिए मेरिट 653 जबकि आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए 619 था। हर साल की तरह इस साल भी गवर्नमेंट एमयू कॉलेज एडमिशन्स के बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट इशू कर चुका है, जिसके मुताबिक स्टूडेंट्स अपने मुतलका शोबों में एडमिशन ले सकते हैं। उम्मीदवारों को ये इतला दी जाती है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट 12 अक्टूबर 2020 को अनाउंस होगी। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।